कपूर, सिंस दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं. प्रोफेशन से मैं एक आर्किटेक्ट हूं. आई प्रैक्टिस इन माई ओन कंसल्टेंसी फर्म, लेकिन मेरा शौक है कुकिंग. आर्किटेक्चर में भी जब भी ओवर स्ट्रेस्ड होती हूँ या स्ट्रेन फील होता है तो मैं झटपट अपने किचन में आके जल्दी से एक कोई रेसिपी बना डालती हूँ एंड आई फील रिजुविनेटेड अगेन. सो आज ये पहली वीडियो है. जैसा कि कहते हैं कि हर काम, नया काम हमें मीठे से शुरू करना चाहिए, तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल रेसिपी बताने जा रही हूँ. वो है नान खटाई की रेसिपी. जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने उसके सारे इंग्रीडियंट्स तैयार हैं. बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, कि यहाँ पे जो मेरा ओटीजी है उसको मैंने बेक मोड पे 180 डिग्रीज पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है. सो आइए शुरू करते हैं नान खटाई की रेसिपी. नान खटाई के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, ये हाफ कप है, मैंने कप के मेजर से लिया है, हाफ कप ग्राउंड शुगर. सो हाफ कप ग्राउंड शुगर हमें अपने एक मिक्सिंग बोल में ले लेते हैं. इसमें अब मैं डालूंगी सेम क्वांटिटी हाफ कप सेमी सॉलिड देसी घी. तो जैसा गर्मियों में कई बार हम लोग देखते हैं कि घी एकदम लिक्विड हो जाता है, तो उसको आप 5-10 मिनट फ्रिज में रख दें, वो इस कंसिस्टेंसी से होना चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल जमा हुआ नहीं. तो इस कंसिस्टेंसी से हम लोग एक आधा कप हमने चीनी ली है और हाफ ही कप हम उसमें ये देसी घी डाल रहे हैं. ये हम लोग का नॉर्मल विस्क है जो हर किचन में नॉर्मली होता है. अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप अपना कोई लैडल भी यूज कर सकते हैं, बट विस्क मैं रिकमेंड करूंगी, इससे बीट बहुत अच्छे से होता है. इसको अब हमें 2.5-3 मिनट तक अच्छे से बीट करना है. बीट करने में ये होगा कि जो शुगर है वो पूरी मिक्स हो जाएगी और जो ये हम लोगों का मिक्सचर है ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा. आजकल लॉकडाउन चल रहा है सब जगह, चीजों की वैसे दिक्कत तो नहीं है, बट फिर भी जो किचन में इजीली अवेलेबल हो वो चीजें लेके अगर हम लोग कुछ कुकिंग करें तो वो बहुत फायदेमंद रहती है. खटाई एक ऐसी चीज है कि मॉर्निंग की चाय कॉफी के साथ, इवनिंग की टी कॉफी के साथ आप कभी भी उसको ले सकते हैं. ये अब आप जैसे देख सकते हैं ये जो कलर है ये खटाई, ये जो मिक्सचर का ये चेंज हो रहा है, इसका टेक्स्चर भी देखें आप चेंज हो रहा है. लेकिन अभी हम लोग को इसको 1 मिनट के करीब और बीट करना है. बेसन भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अब हम हल्के हाथों से हमें इसके गूंदना है. उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी एक डिश है जिसमें हम फाइनली अपनी नान खटाई बेक करेंगे, तो उसको मैं नॉर्मल कोई भी या घी या वेजिटेबल ऑयल जो भी हम यूज करते हैं उससे हल्का सा ग्रीस कर लूंगी ताकि जब हम अपनी खटाई इसमें बेक करें तो खटाई इसमें चिपके नहीं. तो ये मैंने ग्रीस कर लिया और अब हम अपना ये जो बैटर है इसको डो की रूप में मिक्स करेंगे. ग्रेजुअली आप इसको आटे को ऐड करते जाइए. इसको हम लोगों को जैसे हम आटा बनाते हैं ना बिल्कुल हार्ड जो मिक्स करते हैं वो नहीं करना है हमें, बस इसको खाली हल्के हाथों से बांधना है. वी जस्ट हैव टू टाई इट टुगेदर सो दैट जो हम लोगों का खटाई है वो बस बाइंड हो पाए साथ में, वो बाइंड होके हम लोग उसको खटाई की शेप दे पाए. इसको बहुत ज्यादा हमें नीड नहीं करना है. तो अब ये देखिए हम लोगों का आटा जो है ये बाइंड हो गया है, मतलब मैं इसको गूंद नहीं रही हूं, इसको खाली बाइंड किया है. अब हम लोग हल्के हाथ से, आप चाहें तो अपना हाथ हल्का ग्रीस कर लें, हल्के हाथ से हम इसको बाइंड करके खटाई की शेप दे देंगे. ये देखिए इस साइज की इस तरह से बनानी है और ये जो हमारी ग्रीस की हुई डिश है इस पर हम इसको शेप दे देके रखते जाएंगे. जब आप इसको इस डिश पे रखें तो ये भी ध्यान रखें कि थोड़ी सी आप इसको दूर रखिएगा, क्योंकि हल्की सी जब ये बेक होगी तो ये जो खटाई है ये हल्की सी एक्सपैंड करती है, तो ऐसा ना हो कि आप अगर बहुत पास रखें तो ये आपस में खटाइयां जुड़ जाएं. तो ये आप थोड़ी सी दूर रख के इस तरह से जितना भी आपका डो है उसके हिसाब से साइज आप अपना देख लें, आप हल्की सी बड़ी या इससे छोटी भी बना सकते हैं. मैं अभी इसका मीडियम साइज रख रही हूं.
बहुत ही आसान रेसिपी है और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद है और इसमें मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि इसके जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब काफी हेल्दी हैं। इसमें हम मैदा नहीं यूज कर रहे हैं, आटा यूज करते हैं, देसी घी यूज करते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इसमें एक टिप और है, हम लोग कोई बटर नाइफ या नॉर्मल नाइफ लेके इसके टॉप पर इस तरह से क्रिस क्रॉस एक एक डाल देंगे। उससे आप देखेंगे जब बाद में ये खताइयां बनेंगी, इसमें एक बहुत अच्छा ये सुंदर पैटर्न आता है। मुझे ये पसंद है, आप नहीं चाहें तो आप ये नहीं भी कर सकते, यू कैन अवॉइड डूइंग दिस। इन द मीन टाइम हम लोग ने अपना अवन ऑन करके छोड़ा हुआ था, तो जो हमारा अवन है वो 180 डिग्रीज बेक मोड पे हम लोग ने प्री हीट कर दिया है। वो अब तक हमारा प्री हीट हो गया है, थर्मोस्टैट उसका बंद हो गया है। उसकी जो बेकिंग ट्रे है वो मैंने करीब अवन के बीच में रखी है और ये देखिए सब खताइयां एक दूसरे से अलग हम लोग ने थोड़ा सा अलग करके रखी है। दिस माई ट्रे इज रेडी एंड नाउ दिस गोज राइट इन टू द अवन, प्री हीटेड अवन एट 180 डिग्रीज इन द सेंटर। सो ये हमारी खताइयां चली गई। वी विल बी बेकिंग देम फॉर अबाउट 10 मिनट्स पे हम चेक करेंगे। प्रॉब्लम नॉर्मली 10-12 मिनट्स में दीज खताइयां शुड बी डन। सो दोस्तों बाय द टाइम हम लोगों की खताइयां बेक हो रही हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुकिंग वीडियो के साथ साथ हर वीडियो में आपको एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर का टिप भी दे दूं। तो आज क्योंकि हमारे किचन में कुकिंग का पहला दिन है, तो मैं अपने किचन से ही इंटीरियर का एक टिप स्टार्ट करती हूँ। किचन एक ऐसी जगह है जहां घर की हाउसवाइफ या इवन जो भी कुकिंग करता है, चाहे आपके हस्बैंड करते हो, बेटा करती हो, बेटी करती हो, उनको काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो द किचन हैज टू बी अ वेरी प्लेजेंट प्लेस ऑफ द हाउस। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे किचन में मैंने बहुत लाइट कलर्स यूज किए हैं। सो वी हैव अ ग्रे कलर का काउंटर टॉप, दिस इज ग्रे, लाइट ग्रे, व्हाइट, खाली व्हाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में किया है। वी जस्ट ट्राइड टू ब्रेक द कलर स्कीम विद द कलर ऑन द वॉल्स। आप जैसे देख रहे हैं ब्राउनिश ऑरेंज कलर की टाइल्स हैं ऑन द वॉल, बट दैट अगेन इज अ वेरी वेरी सूदिंग कलर, दिस कलर। एंड ये जो हम लोगों ने कलर्ड ग्लास के पैनल्स दिए हैं, दिस गोज विद द कलर ऑफ दिस वॉल एज वेल एज विद द कलर ऑफ द फ्लोर। सो आई फील वेरी पीसफुल व्हेन आई कम टू माय किचन। बहुत ही एक प्यारी सी जगह लगती है, बहुत ही शांत सी जगह लगती है और यहाँ आके जब मैं कुक करती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। सो दैट्स अ टिप, किचन में यूज लाइट कलर्स, यू विल ऑलवेज फील एट ईज। देख सकते हैं कि अवन के अंदर हमारी कुकी नान खताई को गए हुए करीब करीब 5-5.5 मिनट हो गए एंड ऑलरेडी अगर आपको नजर आ रहा हो तो वो अपने साइज में डेढ़ गुना तो हो ही गई हैं। तो अनदर 5-6 मिनट्स में हम अपनी नान खताई को निकालेंगे। खुशबू तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी आ रही है, इस समय तो ऐसा लगता है कि बस इसको निकालें और खा लें, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लेकिन वी ऑफकोर्स विल हैव टू वेट एंड इन द मेन टाइम जब तक ये बन रही है, मैं आपको एक और टिप दे दूं कि जैसे ही ये खताई हम अपने अवन से निकालेंगे, आई एम श्योर उसकी खुशबू और उसका टेक्सचर और उसकी शक्ल देख के सबका मन करेगा कि इमिडिएटली खा ले। लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा क्योंकि नान खताई जो है हमारी वो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर गर्म नान खताई को आप छेड़ेंगे तो वो क्रम्बल कर जाएगी। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू लेट इट cool down and only then can you touch the naan khatai or even dare to have it. So that's it for you. So friends, ab hum logon ka 11:30 minute ho gaye. So we are about to take out our naan khatais. They look amazing. So I'll just turn off the oven and gradually usko garam oven mein chhodna nahi hai. Usko garam oven se immediately nikal ke and then we'll put it on a tray. And just leave it. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इतनी गर्म स्टेज पे आप नान खताई को छेड़ नहीं सकते, वो टूट जाएगी। So we'll just leave it. और अगर आप क्लोजअप देखेंगे तो जो हम लोगों ने इसमें क्रिस क्रॉस अपना डिजाइन दिया था वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एटलीस्ट आई लाइक इट अ लॉट
and you can see these small cracks which have developed on the surface. That is a sign of a very good खताई. इसका मतलब है कि आपकी खताई बहुत अच्छे से rise की है. मैंने इतने batter में ये करीब 16 बनाई है, लेकिन आप इसका size थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हो. Last time when I made the same thing, they turned out to be 21. So it can be anywhere between 15 to 22 खताईज in this much of dough. And so we'll wait now for 10 minutes before we then, once it gets cooled down, फिर हम ये अपनी खताइयाँ निकाल के और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये खताई कैसी लगती है. तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को करीब 10 मिनट हो गए हैं ये खताइयों को बाहर निकाले. अभी भी दे आर वार्म. आपके पास टाइम हो तो आई विल रिकमेंड कि आप 5 मिनट और रुक जाए, बट आई थिंक दे ओके टू हैंडल नाउ. सो ये देखिए, ये हमारी इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी खताई पीछे से भी इतनी क्रिस्प हो गई है. सो दीज वी आर टेकिंग आउट एंड वी आर प्लेसिंग देम इन आवर प्लेटिंग ट्रे. एंड बिलीव मी, स्मेल हम लोग आपको अभी नहीं भेज सकते. फ्यूचर में आई एम श्योर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे स्मेल भी आपको ट्रांसमिट हो पाएगी. अभी आप खुशबू नहीं ले पा रहे हो, मैं खुशबू ले पा रही हूं एंड दे स्मेल सिंपली अमेजिंग. सो फ्रेंड्स, हियर आर द सिंपल नान खताइज फॉर यू. एंड जो टाइम मुझे टोटल लगा, आई टुक 3 मिनट्स टू कलेक्ट द इनग्रीडियंट्स, 5 मिनट्स टू बीट द शुगर एंड ऑयल एंड मिक्स द डो, 1.5 minutes to make the khatais and put them inside the oven, and 12 minutes for them to bake. So you see, 20 minutes se kam mein ye hamara beautiful coffee time snack is ready. Enjoy.